हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, इस मार्केट की गिरावट में हमने बेस्ट शेयर्स बाय करना चाहिए बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी से। ऐसा ही डेट फ्री शेयर है जो कि फंडामेंटली साउंड है और आने वाले दिनों में अच्छी तेजी दिखा सकता है, प्रॉफिट भी अच्छा जनरेट करता है और प्राइस है ओनली 42 रुपीज़। एक साथ बाय नहीं करना है, बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी से पार्ट्स में बाय करना है कोई भी शेयर, याद रखिए। ये कंपनी है रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वॉल्व है, प्लस ट्रेडिंग ऑफ एग्रो प्रोडक्ट्स एंड लेंडिंग मनी का बिजनेस है इस कंपनी का। इसका आज का क्लोजिंग था 42 रुपीज़ और 52 भी खाया था 55 रुपीज़। पी है 30 का, ईपीएस है 1.40 का, डेट टू इक्विटी रेशियो है 0, कंपनी पे डेट नहीं है, प्रमोटर्स के पास है 42%, एफआईआई का कोई होल्डिंग नहीं है बट डीआई का होल्डिंग है 47%। बात करेंगे अगर आप इसके इस ईयर की रिजल्ट की, तो अक्टूबर 2021 में इसका प्राइस हुआ करता था ओनली 15 रुपीज़, वहाँ से ये पहुँच चुका 55 रुपीज़ तक जा चुका था, अभी मिल रहा है 42 में। तो आप सोचिए एक ही साल में 3 टाइम्स से ज़्यादा प्रॉफिट कर दिया है, रेट कर दिया है इस शेयर ने। तो आज भी मार्केट में गिरावट थी बट 11% अप गया, कल मार्केट क्रैश हुआ तो हो सकता है आपको कम में मिले, तो बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी से बाय करना है, ये बात ध्यान रखना। इस शेयर का बुक वैल्यू है 60 रुपीज़, हमें मिल रहा है अभी ओनली 42 रुपीज़ में। इसके प्रॉफिट की बात करेंगे तो जून 2021 में प्रॉफिट था 4,48,00,000 रुपीज़, मार्च 2022 में था 4,93,00,000 रुपीज़ एंड जून 2022 में प्रॉफिट आया 4,08,00,000 रुपीज़। कंपनी प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रही है, सितंबर क्वार्टर भी अगर अच्छा आया तो ये शेयर शॉर्ट टर्म में हमें 60-70 के रेट दिखा सकती है, जो कि अभी मिल रहा है ओनली 42 रुपीज़ में। तो बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी से आप बाय करने का सोच सकते हैं। कंपनी का नाम है ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड, ओसवाल एग्रो मिल्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो बाय ऑन डिप के स्ट्रेटजी से आप इसको बाय कर सकते हो और होल्ड कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो जैकपॉट शेयर पाना जिसमें आपको 10-15 डेज में अराउंड 10% का प्रॉफिट हो जाए, जिसका फर्स्ट शेयर का प्राइस है ओनली 500 रुपीज़, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।